उनके विचार भी आप जी ने सुनने। मेघा पाटेकर जी, सरदार जोगिंदर सिंह जी उनका स्वागत करेंगे। किसान आंदोलन जिंदा बहुत। मैं सभी दर्शकगण से अनुरोध करूंगा कि मीडिया कर्मियों को अपनी कवरेज में दिक्कत महसूस हो रही है, आप सब बैठ करके मीडिया खबर नहीं देता। मैं सरदार अजीत सिंह जी भाई और गुरमीत सिंह जी सेखोवी से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी किसान मोर्चा की जो समूची लीडरशिप आज की मंचिक ग्राम की सभा में उपस्थित हो चुकी है, मंच में आसीन हो चुकी है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले इनको अपना स्वागत ज्ञापन करने के लिए जो फूलों का गुलदस्ता है वो इनको अर्पित किया। सरदार अजीत सिंह जी भाई और गुरमीत सिंह जी से क्या खेला हुए वो देखना है, वो बताएंगे हम बंगाली भाषा में ही बताएंगे। जब भारत सरकार 5 लाख से ज्यादा लोगों से नहीं डर रही, जो दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाले बैठे हैं, जिसने पक्के मकान सड़कों के ऊपर बना दिए, तो आपका क्या खेल करेगी सरकार वो हम बताते हैं। क्या होगा बंगाल के साथ में, वे एक मुट्ठी चावल मांगते हैं आपसे। आप उनसे भाव की बात करो कि 1850 रुपए जो भारत सरकार का भाव है वो कब मिलेगा हमारे, जिस खेत में हम बैठे हैं ये चावल का खेत नहीं जाती है। हमारे आदिवासियों की बात अलग है, नंदीग्राम ने अपनी भूमि छीनने नहीं दी थी, तो आज अगर इन जमींदारों के नुमाइंदों को आप अगर सत्ता की कुर्सी सौंपेंगे तो आपके जमीन का टुकड़ा टुकड़ा ये छीने बिना नहीं रहेंगे। आपको इसीलिए ऐलान करने आए हैं, ये जो 3 कानून है वो केवल काले नहीं है, वो गोरे सरकार की याद दिलाने वाले कानून है। और इन 3 कानूनों से क्या नहीं खत्म होगा, इन 3 कानूनों में अगर ठेकेदार आएंगे खेती का ठेका लेने के लिए, तो आइए गुजरात में पूछिए गुजरात के किसानों को कि किस प्रकार से पेप्सिको नाम की कंपनी ने आलू खरीदने का वायदा किया और जब आलू तैयार हुआ तब कहा कि ये अच्छा नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ऐसा ही किया, धान तैयार हुआ उन्होंने कहा हम नहीं खरीदेंगे, और फिर जब पर्चा निकला तो उस क्यों नहीं मिली, कब मिलेगी, उस पर कानून बनाओ,
पांच लाख से ज्यादा आदमी दिल्ली के चार तरफ इकट्ठा हो जाए, कानून बनेगा दिल्ली में तो फसल का रेट किसी खेत का आपको महंगा मिलेगा। किसी दिन आपकी आंखों में आंसू आएंगे, उसी के खिलाफ तो है और कहीं के खिलाफ कर रहा है चुनाव के आगे, आप क्या कहेंगे? चुनाव का आगे भाजपा सरकार कह रहा है कि सबका ये आंदोलन ठीक नहीं है, और वो तो कहेंगे और चार जिसके साथ लड़ाई हो जाए वो लाठू बांटने की और हमें नहीं कोई बड़ा की सरकार की छोड़ दी नहीं, हमें पता चला कि सरकार यहाँ पर आज की सरकार तो उसको ढूंढने आई, यहाँ मिली अगर कहीं मिले तो माओ में बैठ देती उसको कहा है पक्के घर बनाएंगे भाई, पक्के मकान बनेंगे, दो दो मंजिल के एसी भी लगेगा, जनरेटर लगेगा, बिजली के कनेक्शन लेंगे और पक्के जाएंगे, घर वापसी नहीं जाएंगे जब तक बिल वापसी नहीं हो एमएसपी पे, जब तक बंगाल के किसान को एमएसपी का रेट नहीं मिलेगा दिल्ली का किसान हटेगा नहीं। आप कभी भी मेरे लिए जब इलेक्शन हो जाए तो आंदोलन की शुरुआत कर देना। अभी भी 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, लाखों ट्रैक्टर है दिल्ली के चारों तरफ, कोई नहीं हट रहा, ये झूठ बोलते हैं। और मीडिया को क्यों बहुत है इनके क्या हाथ में, मीडिया के ऊपर तो कैमरा कलम का बंदूक का पहरा है, इनको क्या कहो अपने सोशल मीडिया पर ध्यान दो, इनका तो मैं अपने आप जवाब दे दूं।